हेलो एवरीवन, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है। सबसे पहला कैरेक्टर है बेबी, जो कि बॉस बेबी है। दूसरा कैरेक्टर है टीम, जो कि बॉस बेबी का बड़ा भाई है। और दूसरे कैरेक्टर है मिस्टर एंड मिसेस स्टैम्पलेटन, ये दोनों बॉस बेबी और टीम के पेरेंट्स होते हैं। और चौथा है विलन, जो कि इसका मेन विलन है, जिसकी वजह से ये बॉस बेबी आता है। वो है फ्रांसिस। फ्रांसिस ये एक पपीको नाम की कंपनी का सीईओ है। और ये हैं बॉस बेबी के टीम मेंबर्स, जो कि जिनके साथ ये मिलकर मिशन कंप्लीट करने वाला है। तो हम मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक फॉरेस्ट से, जहाँ पर कि टीम जो होता है वो लड़ाई किया करता है। और वो अपनी इमेजिन की हुई दुनिया में लड़ता रहता है, और वो हमेशा अपनी इमेजिनरी दुनिया में रहता है। वो बताता है कि वो बहुत ही हैप्पी है अपनी फैमिली के साथ, और उसके मम्मी पापा बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी उसे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, अपने पूरे समय को निकालते हैं उसके लिए। और जब उसके पेरेंट्स ये बोलते हैं टीम को कि क्या होगा अगर तुम्हारा छोटा भाई आ जाए या बहन आ जाए, तो तुम बहुत हैप्पी होगे ना, तो वो कहता है कि उसे कोई भाई या बहन नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है ऐसे ही। जब उसके पेरेंट्स ये पूछ के चले जाते हैं, तो टीम के मन में एक ये क्वेश्चन आता है कि बेबीज कहाँ से आते हैं। फिर वो सो जाते हैं, और बाद में ये सीन दिखाया जाता है हेवन का, जहाँ पर बहुत सारे बेबीज एक साथ रहते हैं। और सारे बेबीज को फैमिली को दिया जाता है, कौन से फैमिली में कौन सा बेबी जाएगा। लेकिन जो बेस्ट ऑफ बेस्ट बेबीज होते हैं, उन्हें टॉप मैनेजमेंट में भेजा जाता है, ताकि वो काम कर सके। उसके बाद टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि टीम जब सुबह उठता है और वो बताता है कि जिस दिन मेरा छोटा भाई आने वाला था, वो दिन भी एक नॉर्मल दिन था। बट ये सोचना सबसे बड़ी गलती थी इस टीम की, क्योंकि जैसे ही वो अपनी खिड़की के बाहर देखता है, तो देखता है कि एक टैक्सी से एक छोटा बेबी आ रहा है। और वो बेबी बहुत ही अच्छे तरीके से एक कोट पहना हुआ होता है, और वो डांस करते हुए इसके घर में एंट्री करता है। जब वो जाता है, तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि ये बेबी भाई है। कुछ टाइम बाद ही टीम को लगता है कि वो बेबी आते ही सब पे चिल्लाने लगता है और अपना हुक्म चलाने लगा है। और उसके लिए, यानी टीम के लिए, उसके पेरेंट्स के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। तब वो एक रात जब टीम को टेलीफोन की रिंग सुनाई देती है, और टीम जो होता है वो टेलीफोन को रिसीव कर जाता है, तो कोई भी कॉल नहीं आया होता। फिर भी जब उसे कंटिन्यू रिंग सुनाई देती है और वो उस रिंग को फॉलो करता है, तो वो देखता है कि वो जो छोटू बेबी है, यानी बॉस बेबी है, वो कॉल में बात कर रहा होता है। तब टीम को पता चलता है कि वो किसी मिशन के लिए आया हुआ है। जब ये बॉस बेबी देख लेता है कि टीम उसकी आवाज़ सुन चुका है, तो वो बॉस बेबी टीम को डराता है और ये कहता है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स अब तुमसे प्यार नहीं करते और मुझसे प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद टीम जो होता है बहुत ही सैड हो जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। जब वो अगले दिन उठता है, तो वो देखता है कि बहुत सारे बेबीज उसके घर में घूम रहे हैं। ये देख के वो बोलता है कि मॉम डैड, हमारे घर में बेबीज ने हमला कर दिया है। लेकिन जब उसके मॉम डैड बताते हैं कि ये उनके साथ खेलने आए हैं, उस बॉस बेबी के साथ खेलने आए ये सारे बेबीज, तो वो कुछ नहीं बोल पाता है। और जब वो देखता है कि सारे बेबीज एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तो उनके साउंड सुनने की कोशिश करता है। जब वो बॉस बेबी देखता है कि टीम उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है, तब उसमें से एक छोटू मोटू बेबी को बोलता है कि तुम कुछ साउंड करो, ताकि वो आवाज़ ना सुन सके। फिर भी टीम जो होता है उनके साउंड्स को रिकॉर्ड कर लेता है। और उधर बॉस भी बताता है कि पपीज़ को उतना प्यार नहीं मिल रहा है जितना पहले मिलता था, क्योंकि उनका प्यार अब पपीज़ को मिल रहा है, और पपीज़ ही उनके दुश्मन है। वो बताता है कि पपी कॉप नाम की जो कंपनी है, उसके जो सीईओ है, एक बहुत ही क्यूट पपी को लॉन्च करने वाले हैं। और जो उसकी टीम होती है, उनके सारे पेरेंट्स ही पपी कॉप नाम की कंपनी में काम करते हैं, और उस पपी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछता है बॉस बेबी। लेकिन उन सारे बेबीज को कुछ पता नहीं होता है, और वो बोलता है कि उन्हें कुछ नहीं पता। वो सारे बेबीज़ बताते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, उन्हें लिखना नहीं आता है, या फिर उन्हें से कुछ समझ नहीं आता है क्या चल रहा है। उधर जो टीम होता है वो उनके साउंड रिकॉर्ड कर लेता है और अपने मॉम डैड को दिखाने चला जाता है। बट ये सारे बेबीज़ ये देख लेते हैं और वो टेप छीनने का ट्राई करते हैं।
जब वो टेप नहीं छीन पाते हैं और जब टीम अपने मॉम डैड को ये दिखाने जाता है तो उनके मॉम डैड नहीं रहते हैं घर में और बाहर रहते हैं। तो ये देख बॉस भी बोलता है कि वो कैसेट उसे वापस कर दे, बट टीम नहीं करता है। तो बॉस बेबी उस टीम के लैम लैम को यानी उसके खिलौने को लेकर बोलता है कि वो तोड़ देगा, पर गलती से ही उससे टूट जाता है। और ये देखकर टीम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से में बाहर फेंकने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो फेंकने वाला होता है उसके मॉम डैड आ जाते हैं और मॉम डैड ये देख कर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसे रोकने के चक्कर में वो टेप जो होता है वो बाहर चला जाता है और वो टूट जाता है। उसके मॉम डैड गुस्सा हो जाते हैं उधर, और उसके मॉम डैड बताते हैं कि अब तुम घर में ही बंद रहोगे और जब तक तुम बेबी के साथ अच्छे से नहीं रहोगे तब तक तुम्हें घर में ही बंद रहना है। ये देखने के बाद बॉस बेबी को बहुत बुरा लगता है और वो टीम से रात को मिलने जाता है और वो बताता है कि वो यहाँ पर एक मिशन के लिए आया है जो कि उसे ऊपर वाले ने भेजा। टीम को लगता है कि वो भगवान है। वो बोलता है कि क्या तुम जीसस बेबी हो? तो कुछ समय के लिए जो बॉस बेबी होता है वो कहता है कि हाँ मैं जीसस बेबी हूँ, पर वो कुछ टाइम बाद ही बता देता है कि नहीं वो जीसस बेबी नहीं है, बट वो मैनेजमेंट का मिडिल का बंदा है जो कि यहाँ पर मिशन के लिए आया हुआ है। और वो बोलता है कि ये लो चूसनी और इसे तुम चूसो, पर टीम उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो बड़ा हो गया, वो छोटा नहीं है। पर वो बोलता है कि इसे जल्दी से इसे चूसो और तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्यों आया हूँ। और जैसे ही वो दोनों ही एक साथ उस चूसनी को मुंह में डाल के चूसने लगते हैं तो वो एक अलग सी दुनिया में चले जाते हैं, बेबीज़ की दुनिया में, जहाँ पर बहुत सारे बेबीज़ रहते हैं और वो काम कर रहे होते हैं अपना अपना। और जब ये देखने के बाद टीम बोलता है कि उन्हें ये सब क्यों नहीं याद है, तो वो बॉस भी बताता है कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उनसे ये चूसनी ले ली जाती है जिसके वजह से वो धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। टीम पूछता है कि अभी तो तुम लोग बच्चे हो तो ये सारे काम कर रहे हो, लेकिन क्या होगा जब तुम बड़े हो जाओगे? तो वो बॉस बेबी बताता है कि वो कभी बड़े ही नहीं होंगे क्योंकि वो एक सुपर सीक्रेट स्पेशल फार्मूला पीते हैं अपने मिल्क में जिससे कि वो कभी बड़े हो ही नहीं सकते हैं। उसके बाद जो बॉस बेबी होता है वो टीम को अपने सबसे फेवरेट बॉस बेबी को दिखाता है जिसका कि नाम होता है सुपर ग्लोसल बिग फैट बेबी। वो बॉस बेबी हमेशा ही उसे फॉलो करने का ट्राई करता है और वो हमेशा उसी की तरह बनना चाहता है। और ये बताता है कि अगर वो ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएगा उसके भाई बनकर और दोनों ही साथ साथ में रहेंगे। ये सुनने के बाद टीम जो होता है वो बॉस बेबी की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और वो ये जानता है कि उसके मॉम डैड जो है वो पपी कॉप के कंपनी में काम करते हैं और उनके कंपनी में ये रूल है कि एक दिन अपने बेबीज़ को ले जाया जाता है उस कंपनी में घुमाने के लिए। तो जो टीम और जो बॉस बेबी होते हैं वो दोनों अच्छा एक्टिंग करते हैं ताकि वो दिखा सके अपने मॉम डैड को कि वो दोनों अच्छे भाई भाई बन चुके हैं, वो लोग एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। जब वे वो लोग ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं अपने मॉम डैड को तो उसके मॉम डैड दोनों ही साथ में उन्हें घुमाने ले जाते हैं अपनी कंपनी में। जब वहाँ पर बहुत सारे बेबीज़ आए हुए होते हैं जो घूमने आते हैं वहाँ पर जाते ही टीम के मॉम डैड जो होते हैं वो कहते हैं कि टीम मेरे हमारे साथ चलोगे क्योंकि बहुत टाइम से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हम लोग बेबी की वजह से, तो हम बेबी को बेबी जोन में छोड़कर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। पर टीम बोलता है नहीं, वो बेबी के साथ ही रहेगा और उसके मॉम डैड अपने काम के लिए चले जाते हैं और उनका असली मिशन स्टार्ट हो जाता है। वो छुप कर उनके ऑफिस में घुस जाते हैं और एक दरवाज़ा देखते हैं जहाँ पर लिखा होता है नो किड्स अलाउड। ये देखते ही वो उस दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पर एक टॉप सीक्रेट फाइल रखी हुई होती है और वो फाइल को चेंज कर देते हैं दूसरे फाइल के साथ ताकि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। पर जैसे ही वो फाइल हटाते हैं और दूसरी फाइल रखते हैं वहाँ पर बॉस बेबी का एक छोटा सा टुकड़ा उसके सलाइवा का उस पर गिर जाता है और वो लोग एक पिंजरे के अंदर बंद हो जाते हैं। उसके बाद विलन को दिखाया जाता है। विलन है फ्रांसिस जो कि पपी को शाम की कंपनी के सीईओ है।
वो अपनी चूसनी दिखाता है। ये देखकर जो बॉस बेबी होता है वो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये तुम्हारे पास कैसे है, ये तो हमारे पास होती हैं। तो वो बताता है कि वो बिग बॉस बेबी था और उस बेबी का नाम था सुपर क्लॉसल बिग फैट बॉस बेबी। ये देख के जो बॉस बेबी होता है वो चौंक जाता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो मेरे हीरो थे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब फ्रांसिस अपनी स्टोरी सुनाता है और वो बताता है कि एक टाइम पर वो जब बॉस बेबी था तो बहुत हैप्पी था और उसको सारे लोग बहुत पसंद करते थे, वहाँ के सारे बेबीज उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक टाइम पे उसे पता चला कि वो बूढ़ा हो रहा है और वो बूढ़ा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे दूध से एलर्जी थी और इसीलिए वो दूध नहीं पी पा रहा था और इसलिए उसे निकाल दिया गया था उस बिग बॉस के पोजीशन से और इसके वजह से वो अब बदला ले रहा है। और वो बताता है कि वो एक नया पपी लॉन्च करने वाला है, फॉरेवर पपी, जो कभी भी बड़ा नहीं होगा, कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, वो हमेशा छोटा क्यूट सा पपी बना रहेगा। बॉस भी बोलता है कि इट्स इम्पॉसिबल है। तो वो फ्रांसिस बताता है कि इम्पॉसिबल था बट अब नहीं है क्योंकि वो बॉस बेबी का जो स्पेशल फॉर्मूला होता है जो कि अपनी दूध की बोतल में वो हमेशा डाल के रखता है वो ले लेता है और उन सारे पपीज़ में इंजेक्ट करने भेज देता है। उधर जो बॉस बेबी होता है और टीम होते हैं वो बोलते हैं कि वो ऐसा कभी होने नहीं देंगे। तो फ्रांसिस बताता है कि अगर कुछ भी हुआ तो वो उसके मॉम डैड को मार देगा। टीम बोलता है कि उसके मॉम डैड कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, बट जो फ्रांसिस होता है अपने भाई को ही कन्वर्ट करके उनके बेबी सीटर के रूप में उन्हें भेज देता है और बताता है कि ये है बेबी सीटर जो इनका ध्यान रखेंगे और उसके मॉम डैड को अपने साथ ले जाता है वेगस में जहाँ पर वो पपी को लॉन्च करना होता है। उसके मॉम डैड को वो बहुत ही मना बोलता है कि नहीं जाइए मॉम डैड, पर वो नहीं सुनते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद टीम और जो बॉस बेबी होता है वो प्लानिंग करते हैं ताकि वो वहाँ से भाग सके और वो जो बेबी सीटर रहता है उसे लॉक कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बट बेबी सीटर भी उसके पीछे पीछे भागता है क्योंकि वो फ्रांसिस का भाई है तो वो एक मेल ही है तो ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग। वो उसके पीछे पीछे भागता पकड़ने की कोशिश करता है। बीच में जो बॉस बेबी होता है वो अपना जो टीम होता है उन सब कॉल करता है ताकि वो सब इन्हें रोक सके बट फिर भी नहीं रोक पाते हैं और उसे पकड़ने तक पहुंच ही जाता है और बट फिर भी नहीं पकड़ पाता पूरे तरीके से और वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं अपने मॉम डैड को देखता है और मॉम डैड को चिल्लाते हैं पर उसके मॉम डैड नहीं सुन पाते हैं। फ्रांसिस जो होता है उन्हें जल्दी से फ्लाइट के अंदर बैठा देता है और लोग वहाँ से टेक ऑफ कर जाते हैं। और अब इधर टीम और बॉस पे भी दोनों ही बहुत सैड हो जाते हैं और वो सोच नहीं पाते हैं कि वो क्या करें। तब बॉस बेबी और टीम के बीच में छोटी सी लड़ाई हो जाती है और लोग बोलते हैं कि वो नहीं कुछ कर सकते हैं। और कुछ देर बाद ही लोग दोनों एक आइडिया लगा लेते हैं, वो एक एल्विस के कपड़े छीन कर वो उसके कपड़े को डालकर और उसके टिकट को भूल जाते हैं लेना। पर जैसे ही वो छुप छुप के वो लोग एंट्री कर जाते हैं और जैसे ही वो एक जगह बैठते हैं फ्लाइट के अंदर तो वहाँ की जो एयर होस्टेस होती है वो पूछती है कि आप लोगों का टिकट कहाँ है। तब वो बताता है कि उसके जो डैड हैं वो फ्लाइट चला रहे हैं, यानी उसके डैड जो है वो पायलट है और उसके डैड ने कहा है कि यहाँ बैठ जाए। और जैसे ही वो वेगस पहुँच जाते हैं वो वहाँ से जल्दी से भागते हैं और अपने मॉम डैड को ढूंढने चले जाते हैं। वो उन्हें समझ नहीं आता कि वो कैसे जाए तो वो अपने उस बेबी को एक पुराने से कपड़े में लपेट कर कुछ लेडीज़ के पास जाता है टीम और कहता है कि लेडीज़ प्लीज़ मुझे आप मेरे घर तक छोड़ देंगे। तब वो लेडीज़ उन्हें उसे छोड़ देती है उस जगह, यानी उस कन्वेंशन सेंटर में जाना होता है। ये सारी बातें हो जाने के बाद वो जैसे उस कन्वेंशन सेंटर में घुसते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उन्हें समझ नहीं आता कि वो कैसे अपने मॉम डैड को ढूंढे। बीच में ही जो बॉस बेबी होता है वो एक बेबी बन जाता है क्योंकि वो अपना सुपर स्पेशल फॉर्मूला नहीं पी पाता है तो वो बेबी में कन्वर्ट होने लगता है बीच बीच में और वो बेबी बन जाता है। और वो जो फ्रांसिस का भाई होता है वो भी उनके पीछे पीछे आ जाता है एल्विस के रूप में और वो डर जाता है देख के टीम और अपने बेबी भाई को ढूंढने लगता है।
कुछ टाइम बाद ही बॉस बेबी और टीम को उसके मॉम डैड मिल जाते हैं, पर फ्रांसिस भी उन्हें देख लेता है और उसके मॉम डैड को लॉक करके फिर छुपा देता है। उधर टीम और बॉस बेबी उनके मॉम डैड को ढूंढते हैं और बीच में फ्रांसिस से लड़ाई होती है, जिसमें कि फ्रांसिस को वो लोग नीचे गिरा देते हैं। जब वो लोग अपने मॉम डैड को ढूंढ लेते हैं बट वो लॉक रहता है और कीज उसके जो की होते हैं वो फ्रांसिस फेंक देता है। दूसरी साइड बॉस बेबी और टीम देखते हैं कि वो पपीज़ का रॉकेट भी लॉन्च होने वाला है। अगर वो लॉन्च हो गया तो बेबीज़ को प्यार बहुत कम मिलेगा और पपीज़ को बहुत ज़्यादा, तो उन्हें उस लॉन्च को भी रोकना होता है। वो रॉकेट को देख के टीम के दिमाग में यह आइडिया आता है कि वो पपीज़ को ही यूज़ करके अपने मॉम डैड को वहाँ से हटा सकता है, क्योंकि अगर वो लॉन्च हो गया तो उसके मॉम डैड के नीचे ही थे उससे लॉन्च रॉकेट के, तो अगर लॉन्च होगा तो उनके मॉम डैड भी मर सकते हैं। वहाँ पर एक स्ट्रिंग, एक जॉयस्टिक टाइप का होता है जिसे खींचने, वहाँ लिखा रहता है पुल टू ओपन। वो उस स्ट्रिंग को खींचता है जिससे कि सारे पपीज़ निकल जाते हैं और इतने ज़्यादा पपीज़ होते हैं कि उनके मॉम डैड जिस में लॉक रहते हैं वो साथ में उन्हें ले ठेलते हुए लेके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उतने देर में ही जो बॉस बेबी होता है वो बेबी में फिर से कन्वर्ट हो जाता है और उस रॉकेट में चढ़ने लगता है, और टीम उसे ये देखते हुए डर जाता है कि वो बॉस बेबी भी साथ में कहीं चला जा सकता है, और क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं था तो वो बेबी बन चुका था। और वो टीम जल्दी से जाता है और उस बेबी को बचाता है और छुप जाता है ताकि लॉन्च हो तो उस बेबी को कुछ ना हो। फिर वो जैसे ही जाते हैं अपने मॉम डैड के पास तो वो बीच में देखते हैं कि फ्रांसिस एक छोटा सा बेबी बन चुका होता है, क्योंकि वो जहाँ गिरा होता है वहाँ पर वो सुपर स्पेशल फॉर्मूला होता है जिससे कि बड़े बच्चे बन जाते हैं। तो वो दूध में गिरा होता है जहाँ पर वो स्पेशल फॉर्मूला डाला हुआ रहता है और इसलिए वो छोटा बेबी बन जाता है। जो उसका भाई होता है वो कहता है कि इस बार इसकी परवरिश अच्छे से होगी, और उधर बॉस भी कहता है कि दुश्मन को भी इसकी परवरिश ना करने मिले। उसके बाद टीम और बॉस बेबी अपने मॉम डैड के पास जाते हैं और बॉस बेबी जो होता है वो वहाँ से वो सुपर स्पेशल फॉर्मूला पी चुका होता है, तो वो वापस से बॉस बेबी बन गया रहता है और अपने मॉम डैड को वो निकाल लेता है। जैसे ही मिशन कंप्लीट हो जाता है बॉस बेबी को वापस जाना होता है अपने कंपनी में, और कुछ समय बाद ही उस बेबी कॉप कंपनी से छोटे छोटे बेबीज आ जाते हैं अपने मैजिक के साथ, ताकि उनके मॉम डैड और बाकी सब से उनके सारे मेमोरीज हटा सके उस बॉस बेबी के रिलेटेड, और सारे फ़ोटोज़ को भी वहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बाद जो बॉस बेबी होता है उसे सुपर सीनियर यानी सुपर बिग बॉस बेबी बना दिया जाता है और वहाँ का वो सीनियर बन जाता है। इधर बॉस बेबी बहुत ज़्यादा मिस करता है टीम को और उसके मॉम डैड को, और टीम भी अपने बेबी को बहुत ज़्यादा मिस करता है, जैसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, बहुत ज़्यादा एक्शन किया, एक मिशन कम्प्लीट किया, ये सब बहुत ज़्यादा टीम बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और टीम जो होता है वो एक लेटर लिखता है बॉस बेबी को जिसमें कि वो बताता है कि अगर प्यार कम पड़ जाएगा हम दोनों के बीच में तो मेरे हिस्से का भी प्यार तुमको हम दे देंगे, बट तुम वापस आ जाओ। ये देखने के बाद बॉस बेबी भी बहुत खुश हो जाता है और बेबी कॉप की जगह को छोड़कर अपनी उस फैमिली के पास चला जाता है, छोटा सा क्यूट सा बेबी बन के, बिना किसी पावर का, बिना किसी मैनेजमेंट के, और वो लोग दोनों ही अच्छे से बड़े हो जाते हैं। ये पूरी स्टोरी टीम जो होता है वो अपनी बेटी को सुना रहा होता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि जो बॉस बेबी होता है यानी उसका उसमें टेड नाम रहता है, वो बहुत ही अमीर हो गया रहता है, एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया रहता है। और उसमें दिखा उसके बाद दिखाता है कि जो टेड की दूसरी बेबी होती है वो भी बॉस बेबी होती है, और उसका पार्ट टू जस्ट आ चुका है और मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। थैंक यू।